तो आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों कि अगर आपने एक वेबसाइट को क्रिएट किया है और उस पर सब डोमेन आपने ले लिया है, जैसे कि .com, .in होता है ना, या किसी भी प्रकार का डोमेन हो, तो अगर आपने डोमेन ले लिया है तो उसी वेबसाइट के जरिए आप बहुत सारा वेबसाइट बना सकते हो, यानी 100 से भी ज़्यादा आप वेबसाइट को बना सकते हो। अगर आपको उस वेबसाइट पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है तो आप अपने मेन वेबसाइट के जरिए किसी भी वेबसाइट को बनाओगे तो आपको गूगल एडसेंस का भी अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, यानी आपका जो वेबसाइट होगा मेन उस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल होना चाहिए, तभी जो है सभी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस का ऐड दिखेगा और आपको अप्रूवल नहीं लेना है। और जो दूसरा वेबसाइट आप बनाओगे तो उस पर एक भी पोस्ट नहीं रहेगा तो भी ऐड चलेगा। यहाँ पे दोस्तों पूरा जो है समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को बीच में कट कर देते हो सकता है आपको सही प्रकार से जानकारी नहीं मिल पाएगा, तो फिर बाद में कमेंट करके बोलोगे कि भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए, अगर ये जानकारी सही लगे तो कर देना है इस वीडियो को लाइक। अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। जैसे कि दोस्तों ये मेरा वेबसाइट है रिसर्च टेक न्यूज, ठीक है, तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है, आप लोग ने गया होगा रिसर्च टेक न्यूज वेबसाइट पे, या गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हो रिसर्च टेक न्यूज, तो आपके सामने में वो वेबसाइट आ जाएगा। ये जो है मेरा खुद का वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का भी अप्रूवल मिला हुआ है। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ और इसी वेबसाइट के जरिए करूँगा क्या कि मैं दूसरा वेबसाइट को बनाऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि ये ओपन हो रहा है, तो ये जो है ओपन हो चुका है दोस्तों, और इस पर आप देख रहे हो कि गूगल एडसेंस का भी अप्रूवल मिला हुआ है। ऊपर में एंचर ऐड चल रहा है और नीचे में आप देख सकते हो कि ये बैनर ऐड है। उसके बाद फिर नीचे की ओर आएंगे तो और भी ऐड इसके अंदर में आपको दिखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, यहाँ पर आपको जो है सही प्रकार से जानकारी मिल पाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी एक ऐड है, इस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है, बहुत सारे भाई लोग जानते भी है। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ बैक, ठीक है, इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मेरा जो डोमेन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और ऊपर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ऊपर ये लिंक है और यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका जो नाम है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो researchtechnews.in है, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसी डोमेन के जरिए जो है मैं दूसरा वेबसाइट को क्रिएट करूँगा और उसमें एक भी पोस्ट नहीं लिखा रहेगा और उस पे जो है गूगल एडसेंस का ऐड भी दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है इस वेबसाइट पे, आपको मैं पहले ही दिखा दिया हूँ, और अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वेबसाइट को क्रिएट करो और तुरंत के तुरंत ऐड दिखना शुरू हो जाएगा, बेशक से एक भी पोस्ट नहीं होगा उस वेबसाइट पर। तो भी अगर आप उस वेबसाइट पर अच्छे तरीके से काम करते हो तो आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, तो आप फिर उस वेबसाइट से भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, यानी शुरुआत से ही अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए ये सब काम जो है कैसे करना है, तो सबसे पहले जो है मैं बैक जाऊंगा, यहाँ पे आपने देख लिया इसका डोमेन, और यहाँ पे जब हमने डोमेन लिया था तो कहीं ना कहीं से लिया था, तो यहाँ पे हमने GoDaddy से डोमेन लिया है, तो हो सकता है आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं से डोमेन लिया होगा या GoDaddy से डोमेन लिया होगा। तो यहाँ पे जो है मैं GoDaddy के ही बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे GoDaddy को ओपन करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ GoDaddy। तो दोस्तों यहाँ पे लिंक आ गया है, चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लॉगिन हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन हो जाऊँगा मैं, और यहाँ पे लॉगिन हुआ पड़ा हूँ पहले ही से। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि माय प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है, और माय प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तो वैसे मुझे दो वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे रिसर्च टेक न्यूज जो वेबसाइट है मेरा उसी के थ्रू जो है मैं दूसरा वेबसाइट को क्रिएट करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि देख सकते हो कि ये जो है researchtechnews.in है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इस तीन लाइन पर क्लिक करेंगे, तीन लाइन पे क्लिक करने के बाद मैनेज DNS पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। मैनेज DNS पे हमने क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि आ जाता है ऑप्शन, चलिए मैं यहाँ इसको कर लेता हूँ डिस्कटॉप में, ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ हमने डिस्कटॉप में कर लिया है,
वैसे एक वेबसाइट को पहले भी बनाया है रिसर्च टेक न्यूज डॉट इन डोमेन के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए अब हमें करना क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक नया वेबसाइट को क्रिएट करना होगा। चलिए मैं बैक चलता हूँ, बैक जाने के बाद यहाँ पे मैं बना रखा हूँ पहले ही से वेबसाइट को, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक वेबसाइट को नहीं क्रिएट किया है तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुल कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसको देख के आप जो है पूरा एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हो। उस फुल कोर्स के अंदर में हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिया है, जो कि 14 स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। तो वो 14 जो स्टेप है वो क्या है उन्हीं फुल कोर्स के अंदर में बताया हूँ। तो आपको जो है वेबसाइट को क्रिएट कर लेना है। वैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट को पहले से ही क्रिएट कर रखा हूँ, यहाँ पे जो है फेमस मूवी फ्री है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रकार से पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे 14 पोस्ट दिख रहा है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर में ड्राफ्ट है 6 पोस्ट, बाकी पोस्ट जो है 8 पोस्ट पब्लिश है, ठीक है। तो अभी जो है मेरे वेबसाइट के अंदर में 8 पोस्ट लिखा हुआ है, बाकी अगर एक भी पोस्ट नहीं रहता है तो भी गूगल एडसेंस का एड इसके अंदर में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है वैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे होगा क्या मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो है दोस्तों blogspot.com पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में URL है, तो ये जो है blogspot.com पे है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि researchtechnews.in जो डोमेन है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद इसके अंदर में सारा काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे उतना समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप तो आपको बता ही रहा हूँ। बस इस वीडियो को एंड तक देखो ध्यान से, आपको जो है पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, अब यहाँ पे जो है दोस्तों सबसे पहले तो इसका URL जो है यहाँ पे देखना है और यहाँ पे जो है कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी क्या करना है कि जो भी आपके वेबसाइट का नाम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फेमस मूवी नाम है, ठीक है, फेमस मूवी फ्री। यहाँ पे डोमेन जो है आपको कॉपी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ कि डोमेन आपको बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ पे करता क्या हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं नोटपैड को करूँगा ओपन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि नोटपैड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब इधर जो HTTPS लिखा हुआ है उसको भी डिलीट कर दूंगा। बाकी यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का जो कीवर्ड है जो आपने यहाँ पे बनाया है बस उसी को कॉपी करना है। यहाँ से आगे जैसे .blogspot.com रहेगा उसको कॉपी नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसको अब सब कुछ डिलीट करने के बाद कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है कि GoDaddy पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बैक आ चुका हूँ। आने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि GoDaddy पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, कहीं पे जो है आपको दिखेगा GoDaddy में ऐड का ऑप्शन, यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि सी नेम जो है टाइप के अंदर में सी नेम आपको सेलेक्ट कर देना है। सी नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो भी है आपके वेबसाइट का नाम, ठीक है, वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने पेस्ट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ वैल्यू के अंदर में क्या देना है, ठीक है। तो वैल्यू के अंदर में क्या देना है, जब आपने मेन डोमेन को यहाँ पे ऐड किया होगा तो वैल्यू के अंदर में यहाँ पे जो आपको देना है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, मेन डोमेन का जो यहाँ पे GH जो होता है, ठीक है, वो दिखेगा। तो अभी जो है इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ghs.google.com लिखा हुआ है, तो इसको कॉपी करना है आपको, ठीक है। इन सभी को करना है कॉपी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद दोस्तों इसको जूम आउट कर देते हैं। जूम आउट करने के बाद ऊपर में जो हमने यहाँ पे बनाया है बस यहाँ वैल्यू के अंदर में आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो टाइप में सी नेम सेलेक्ट करना है और नेम के अंदर में जो भी आपने वेबसाइट को क्रिएट किया है उसका जो है कीवर्ड यहाँ पे देना है। थोड़ा सा भी आपको मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो होगा क्या कि काम नहीं करेगा जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से देखना। तो नेम के अंदर में आप जो वेबसाइट को क्रिएट किए हो दूसरा उसका जो है कीवर्ड यहाँ पे देना है। जैसे यहाँ पे क्या है कि पहले जो ये था फेमस मूवी फ्री .blogspot.com, तो यहाँ पे .blogspot.com को भी हटा दिया हूँ, HTTPS को भी हटा दिया हूँ। यहाँ पे कीवर्ड है फेमस मूवी फ्री, बस, ठीक। तो इतना आपने समझ लिया। बाकी उसके बाद वैल्यू के अंदर में ghsgoogle.com
लिखा हुआ है। तो जब आपने डोमेन को ऐड किया होगा तो यहाँ पे जो है www भी आपने ऐड किया होगा सीनेम के अंदर में, उसके बाद ghs google.com। उसके बाद दोस्तों ये ऐड करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। अब यहाँ पे दोस्तों TTL लिखा हुआ है, ठीक है, साइड में, तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे 1Hz सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ऐड रिकॉर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये है क्या दोस्तों कि यहाँ पे रिकॉर्ड जो है ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड हो चुका है दोस्तों। अब ऐड होने के बाद यहाँ का जो है काम ख़त्म हो जाता है। काम ख़त्म होने के बाद अब आगे करना क्या है आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ का जो है काम जो भी है वो ख़त्म हो चुका है। अब चलते अपने वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हम करेंगे वेबसाइट को ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे जो मेन वेबसाइट है मेरा उसको करूँगा ओपन। जैसे कि अभी फेमस मूवी फ्री है लिखा हुआ, इसको मैं अभी हटा के अभी जो मेरा मेन वेबसाइट है उसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये रिसर्च टेक न्यूज वेबसाइट है। अब इसको कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आगे जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ तो आप समझना। अब यहाँ ऊपर में URL है तो इस URL को करना क्या है कि कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी हम कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको भी कर देते हैं बैक। अब चलते हैं नोटपैड में। तो नोटपैड को यहाँ पे ओपन कर लिया हमने। ओपन करने के बाद नीचे एंटर दबाएंगे और आ जाएंगे। अब यहाँ पे URL को कर देंगे पेस्ट। अब यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे लिखा हुआ है https उसके बाद www.researchtechnews.in और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी है लिखा हुआ देख सकते हो। इन सभी को मैं कर दूंगा डिलीट पीछे से और उसके बाद यहाँ पे जो है दोस्तों सिर्फ डोमेन रखूँगा मैं, ठीक है। बाकी इन सब को कर दूंगा डिलीट, ठीक है। देख रहे हो कि डिलीट हमने कर दिया। अब इतना जो नाम है ना दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो ऊपर वाला जो हमने कॉपी किया था फेमस मूवी, ठीक है, फ्री, अब इसको कॉपी करना है या नहीं तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है इसको बैक करके ऊपर ले जाना है, ठीक है। बैक करके यहाँ पे लेके जाना है और यहाँ पे डॉट दे देना है, मतलब यहाँ पे फेमस मूवी फ्री डॉट रिसर्च टेक न्यूज डॉट इन। अब ये डोमेन बन चुका है दोस्तों, ठीक है। अब इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको कर देते हैं बैक, ठीक है। बैक करने के बाद आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे रिसर्च टेक न्यूज का काम हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे जो वेबसाइट है मेरा यहाँ पे फेमस मूवी फ्री, इसको कर लेता हूँ ओपन। तो यहाँ पे ये देख रहे हो कि ओपन हो गया। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ तीन लाइन पे क्लिक कर देना है। तीन लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग पे आपको जाना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि लिखा हुआ है पब्लिशिंग, उसके बाद नीचे देख सकते हो कि ब्लॉग एड्रेस है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ जो लिखा हुआ है कस्टम डोमेन, इस पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है करना क्या है कि पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये हुआ क्या है। यहाँ पे लिखा क्या आ चुका है फेमस मूवी फ्री डॉट रिसर्च टेक न्यूज डॉट इन। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इतना पेस्ट करने के बाद सेव कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे है क्या कि आपने एक बार डोमेन खरीद लिया है तो आपको बार बार डोमेन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी वेबसाइट के जरिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट को बना सकते हो और जो मेन डोमेन है आपका उस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है तो आप सभी वेबसाइट पे उसी गूगल एडसेंस का ऐड लगा सकते हो। तो यहाँ पे चलिए इतना काम तो हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे है क्या कि रीडायरेक्ट डोमेन का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर रीडायरेक्ट करते हो तो जो आपका मेन वेबसाइट है वो यहाँ पे है क्या कि फेमस मूवी फ्री पे जो है आपका वेबसाइट रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रीडायरेक्ट वैसे करना भी मत आपको, ठीक है, यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। अब उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाता है https। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि इसको कर देंगे ऑन। ऑन करने के बाद दोस्तों नीचे वाला क्या है कि ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा। अब ऑन होने के बाद दोस्तों मैं इसको करता क्या हूँ कि यहाँ तीन लाइन पे क्लिक करता हूँ और तीन लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी ये होगा क्या कि फेमस मूवी जो फ्री वेबसाइट है वो मेरा यहाँ पे ओपन नहीं होगा। यहाँ पे लिख के आ रहा है दिस साइट कैंट टी बी रीचेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब दोस्तों ऊपर में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे सैटरडे है 16 जुलाई। अब यहाँ पे है क्या दोस्तों कि यहाँ पे ऊपर में आपको टाइम भी दिख रहा होगा 1:35, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे है क्या कि हमें थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। ऊपर में आपने देख लिया कि 1:35 हो रहा है तो अब हमें यहाँ पे कुछ देर रुकना पड़ेगा। रुकना इसलिए पड़ेगा दोस्तों क्योंकि दोस्तों यहाँ पे https को जो मैं ऑन किया हूँ
तो ये अवेलेबिलिटी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस जो है यूनिकॉर्न बता रहा है, तो यहाँ पे अभी तक है क्या कि सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ है HTTPS, तो यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा देर के लिए वीडियो करूँगा स्किप, और स्किप करने के बाद उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वेबसाइट जो है कैसा जो है ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो है टाइम देख लो कि 1:36 हो रहा है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं स्किप, और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने देर में ये इंस्टॉल हुआ है, और यहाँ पे आपको भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो रुकना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाना। चलिए मैं रुक जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1:52 हो चुका है, ऊपर में देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऊपर में आप देख सकते हो कि 1:52 हो चुका है, और हमने यहाँ पे 1:36 पे हमने वीडियो को स्टॉप किया था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि HTTPS जो है अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एक कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा जो है मैं लाइव में आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एक को जो है छोड़ देते हैं हम, यहाँ पे 52 को मैं कैलकुलेट करूँगा, और यहाँ पे घटाऊँगा 36, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मात्र 16 के अंदर में HTTP जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, मतलब। तो यहाँ पे हमें गूगल एडसेंस की अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है 16 के अंदर में ये सब काम हो चुका है, और बाकी अभी तक तो जो भी सेटिंग कर रहा था उसमें टाइम लगा है, तो सेटिंग करने में तो टाइम लगता ही है, लेकिन मैं यहाँ पे मेन जो बात बता रहा हूँ कि 16 के अंदर में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐड अभी चलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे है क्या कि HTTPS जो है सही हो चुका है, और यहाँ पे अगर रुकना पड़े तो आपको भी रुक जाना है। जैसे कि मुझे 16 के अंदर में HTTP को सही करने में लगा है, तो आपको भी रुकना है यहाँ पे सही करने के लिए, बस, और कोई सेटिंग नहीं करना है। यहाँ पे हो सकता है आपके टाइम में जो है ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसी प्रकार से जो है HTTPS जो है सही होता है। बाकी यहाँ 3 पे क्लिक करेंगे, और 3 पे क्लिक करने के बाद यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट जो है ओपन हो चुका है। अब इसका URL मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि famousmoviefree.yahanpe researchtechnews.in लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है URL बन चुका है। अभी तक वैसे इस पर ऐड नहीं चल रहा है, और आपको करना क्या है कि इस वेबसाइट को गूगल एडसेंस के अंदर में ऐड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको तो पहले से ही गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है इस वेबसाइट पे, तो आपको दोबारा गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि गूगल एडसेंस का ऐड लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है ऐड, तो नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे यहाँ पे ऑटो ऐड जो है दिखता, लेकिन ऐड जो है सेटअप होने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे है क्या कि अभी जो है सेटअप हो रहा है, इतने देर में मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे बैनर ऐड को लगा देता हूँ, जहाँ जहाँ पे हमें बैनर ऐड को लगाना है बस वहाँ पे लगा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले गूगल एडसेंस पे जाएंगे, और गूगल एडसेंस को करना है ओपन। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि गूगल एडसेंस ओपन हो चुका है, और गूगल एडसेंस को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि एड्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एड्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ ओवरव्यू पे खुद ही क्लिक हो जाएगा। तो क्लिक होने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है आपको देख लेना है। तो यहाँ पे है क्या दोस्तों कि मेरा वेबसाइट जो है पहले से ऐड है, और उस पर अप्रूवल भी मिला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो researchtechnews.in। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको जो है वेबसाइट को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो वेबसाइट आप बाद में बनाओगे, ठीक है, तो उसको ऐड बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ से आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको करना है क्लिक बाय ऐड यूनिट पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आप जो है नया ऐड यूनिट क्रिएट कर सकते हो, डिस्प्ले ऐड क्रिएट कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे करता क्या हूँ कि डिस्प्ले ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है नेम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नाम देंगे, तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया है फेमस मूवी फ्री, ठीक है। देने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी चीज़ का सेटिंग नहीं करना है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव रहने देना है। बस नीचे आपको करना क्या है कि नीचे जो आपको दिखेगा क्रिएट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जो है एक कोड मिल जाएगा, देख सकते हो कि कोड हमें मिल चुका है। अब यहाँ इस कोड को करेंगे क्या कि कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद जाएंगे वेबसाइट पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को मैं कर लेता हूँ ओपन,
तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये क्या है कि फेमस मूवी फ्री है। तो यहाँ आप जो है लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे जो है देखते रहो, बस इस वीडियो को एंड तक देखो यार, ये बहुत ही काम का वीडियो है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें दिखता है हेडर एड्स, तो जहाँ जहाँ पे ऐड लगाने का ऑप्शन होगा वहाँ पे लगा देना। तो यहाँ पे क्या है कि आप लिख भी सकते हो कुछ भी, लेकिन मैं यहाँ पे टाइटल के अंदर में कुछ नहीं दूंगा। यहाँ पे सिंपल है कि इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं करूँगा क्या कि इसी के अंदर में पेस्ट कर दूँगा जो कोड हमने कॉपी किया। यहाँ पर क्लिक करूँगा और पेस्ट हो चुका है। पेस्ट होने के बाद ऊपर में ये क्या है कि ऑन रहना चाहिए, इसको ऑन कर लेना, तभी जो है ऐड दिखेगा। अब यहाँ सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे है क्या दोस्तों कि जहाँ जहाँ पे ऐड लगाने का ऑप्शन होगा वहाँ पे लगा सकते हो। तो नीचे भी दो ऐड लगाने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा पेंसिल के आइकॉन पे और इन सभी को करूँगा क्या कि सेलेक्ट ऑल करूँगा, ठीक है, और एक ही बार में कर दूँगा डिलीट और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा कोड को। तो यहाँ पे फिर से ऑन कर दूँगा और उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर दूँगा। और उसके बाद दोस्तों फिर ऊपर में जो है ऐड है एक लगाने का ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे करूँगा क्या कि सभी को सेलेक्ट ऑल करूँगा और डिलीट करूँगा और फिर यहाँ पे कोड को पेस्ट कर दूँगा। और दोस्तों यहाँ पे है क्या कि जो फेसबुक लिखा हुआ है उसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ ऑन कर देते हैं, ऑन करने के बाद नीचे सेव पर क्लिक करूँगा, सेव हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर है क्या कि आप जो है ऊपर में एक साइड बार में लगा सकते हो ऐड। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा आपको कि जैसे ऐड ए गैजेट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ HTML जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद कंटेंट के अंदर में आपको पेस्ट कर देना है। और एक चीज़ ध्यान रहे कि ऑन रहना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक ऑन है। अब यहाँ पे सेव, अब हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे करना क्या पड़ता है, जैसे कि ये फेसबुक का है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि ये जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है सब्सक्राइब अस, इस पर क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट ऑल करूँगा, कर दूँगा डिलीट, फिर ऊपर जो है लिखा हुआ है सब्सक्राइब अस, ठीक है। तो यहाँ पे करूँगा क्या कि सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे डिलीट करूँगा और यहाँ पे कंटेंट के अंदर में पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ ऑन कर दूँगा, ऑन करने के बाद यहाँ सेव कर दूँगा। अब इसके अंदर में हमने 5 ऐड को लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। अब जो है वेबसाइट को कर लेते हैं ओपन और देख लेते हैं कि ऐड दिखता है कि नहीं दिखता है। अब यहाँ पे 3 लाइन पे हमने क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ व्यू ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, तो अभी देख लेते हैं ऐड दिखता है कि नहीं दिखता है। तो दोस्तों ऐड जो है दिखेगा 100%। यहाँ पे ऐड सेटअप होने में टाइम लगता है, तो ऐड सेटअप होने में अगर टाइम लगता है तो हमें रुकना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, रुक भी जाऊँगा वैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए एक बार और रिफ्रेश करके देख लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐड लगाओगे तो ऐड जो है सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-4 मिनट टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा और उसके बाद जो है यहाँ पे है क्या कि देख सकते हो आपके सामने में ऐड दिखना चालू हो चुका है, ठीक है, ऐड दिखना चालू होगा। एक तो ये ऊपर में हेडर में दिख रहा है, हेडर में लगाया था, और उसके बाद नीचे की ओर आऊँगा तो नीचे में भी ऐड दिखेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे है क्या कि वैसे ऐड जो है दोस्तों सही से सेटअप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सही से सेटअप करेंगे ऐड को, तो यहाँ पे जो है सही से ऐड को जो है सेटअप होने देंगे और उसके बाद जो है आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ होम पे क्लिक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेना, ठीक है, या नहीं तो यहाँ पे टाइम लगे तो रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपके वेबसाइट पर ऐड दिखना शुरू भी हो जाएगा। देखो अभी ऐड दिखा था लेकिन फिर अभी बंद हो गया, बंद इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक जो है सही से ऐड सेटअप नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अभी तक जो ऑटो ऐड जो होता है, एंचर ऐड जो होता है ऊपर में ऐसे के जब स्क्रॉल करते हैं तो वो भी चलता है और वो भी चलेगा। पिछले बार हमने वेबसाइट को क्रिएट किया था तो उसमें जो है दोस्तों हमें 4 घंटे का टाइम लग गया था, ठीक है, ऐड को सही से सेटअप होने में। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि वीडियो को यहाँ पर भी थोड़ा देर के लिए मैं रोकूँगा, ठीक है, और उसके बाद इसी वीडियो के अंदर में एड्स शो करा के दिखाऊंगा और उसके बाद आगे और भी जानकारी है तो उसको जो है समझना, ठीक है, नहीं तो बाद में चल के दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर ऐड दिखाने के लिए दोस्तों दो काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या होगा। जैसे कि इसके अंदर में गूगल एडसेंस का जो कोड है हमने पेस्ट कर दिया है बैनर ऐड का, तो इसके अंदर में अब जो है ऐड कैसे शो होगा, तो यहाँ गूगल एडसेंस पे जाएंगे, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि मैं आ चुका हूँ, इसी कोड को जो है पेस्ट किया हूँ अपने वेबसाइट में। अब यहाँ करना क्या है कि डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, तो डन पे हमने क्लिक कर दिया और डन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आगे करना क्या होगा, तो यहाँ बाय साइड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, बाय साइड पे क्लिक करने के बाद
यहाँ जो है गेट कोड का ऑप्शन है, ठीक है। गेट कोड पे आपको क्लिक कर देना है और गेट कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ कॉपी कोड पे क्लिक कर देना है। तो ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद जाएंगे उसी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उस वेबसाइट को ओपन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है फेमस मूवी फ्री है। अब यहाँ थीम पे क्लिक कर देंगे। थीम पर क्लिक करने के बाद यहाँ करेंगे क्या, एरो पे क्लिक करेंगे और एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ एडिट HTML पे क्लिक कर देंगे, ठीक। एडिट HTML पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जो है पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपको चार नंबर पे हेड लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे एंटर दबा देना है और फिर से यहाँ पे लेके जाना है माउस को। उसके बाद फिर यहाँ एंटर दबा देना है और जो कोड हमने कॉपी किया है गूगल एडसेंस से उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है दोस्तों। पेस्ट होने के बाद यहाँ तीन बिंदी है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। तो नीचे आप देख सकते हो कि प्रोसेसिंग चल रहा है। तो ये जो है अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे आपको जो है 2-4 सेकंड रुकना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक जो है अपने आप ही जो है अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब चलिए करते क्या है कि इसको कर देते हैं बैक, और बैक करने के बाद यहाँ तीन लाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं एक बार व्यू ब्लॉक पे क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कोड को पेस्ट किया है वो ऑटो ऐड का कोड था, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू ब्लॉक पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मूवी वेबसाइट है और यहाँ पे ऐड दिखना चालू हो चुका है। यहाँ हेडर में आप देख रहे हो कि इंस्टाग्राम का ऐड चल रहा है। बाकी उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे भी ऐड आपको दिखेगा, ठीक है। नीचे आप देख रहे हो कि ये इंस्टाग्राम का ऐड है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही प्रकार का ऐड चलता रहता है गूगल एडसेंस का, ये ऑटोमेटिक जो है अपने आप ही चेंज होता रहता है। बाकी चलिए यहाँ पे किसी एक मूवी को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ इस मूवी को करेंगे ओपन। तो दोस्तों ये जो है पोस्ट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर में एंचर ऐड चल रहा है, उसके बाद नीचे हेडर में जो है माई 11 का जो यहाँ पे ऐड है वो चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे मूवी इस प्रकार से ओपन होता है। और उसके बाद नीचे आओगे तो देख रहे हो कि यहाँ पे इंस्टाग्राम का ऐड चल रहा है, उसके बाद इंस्टाग्राम का ऐड चल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जितना ऐड आप लगाओगे उतना ऐड चलेगा। बाकी यहाँ पे दोस्तों कुछ बात है जो कि मैं आपको बताऊंगा, बस यहाँ पे वीडियो को कट मत कर देना। ऐड तो अब चल चुका है और ये ऐड जो है दिखना जो शुरू हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हमें 15 मिनट रुकना पड़ा। लेकिन आपको हो सकता है कि आपको 24 घंटे भी रुकना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐड सेटअप होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको जो है 24 घंटा भी रुकना पड़ सकता है। तो चलिए यहाँ पे ऐड भी लग चुका है, वेबसाइट भी बन चुका है, हर चीज़ हो चुका है। अब यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट अस कंटेक्ट अस के बारे में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अगर आप अबाउट अस कंटेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी अगर इन सभी चीज़ों को आप ऐड करोगे इस वेबसाइट के अंदर में तो भी ऐड चलेगा, अगर नहीं ऐड करोगे तो भी ऐड चलेगा, क्योंकि आपका जो मेन डोमेन है उस पे तो प्राइवेसी पॉलिसी ये कंटेक्ट अस अबाउट अस तो लगा हुआ है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी कंटेक्ट अस अबाउट अस अगर क्रिएट करते हो तो आपको इसी URL के जरिए जो है आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो वेबसाइट होगा यहाँ पे जो डोमेन आप बना है famousmoviefree.researchtechnews.in, तो बस इसी लिंक के जरिए आपको करना क्या है कि कंटेक्ट अस अबाउट अस बनाना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो कि सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है और जैसे मैं आपको बताया हूँ बस उसी प्रकार से आपको काम करना है। और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हो चुका है काम फाइनल दोस्तों। यहाँ पे अब क्या जानकारी रह गई, अब तो जो भी था जानकारी इसके अंदर मैं दे दिया हूँ। तो मुझे जो है इस वीडियो के लिए जो है मेहनत बहुत करना पड़ा दोस्तों, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि मैंने कई बार रुका कितना कितना देर, उसके बाद फिर मैंने सभी को इकट्ठा जो है क्या किया कि एडिटिंग करके और आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे इतना मेहनत लगा है वीडियो को बनाने में और कंप्लीट जानकारी आपको दिया हूँ, बस इसी तरीके से वेबसाइट को क्रिएट करना है। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों यही जानकारी आपको देना था। अगर यह जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना है लाइक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।